जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका एस एस बी क्रैक एग्जाम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पूछे जाते हैं तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं तो हमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इसमें पता होने चाहिए ओके तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्पीड फॉर्मूले से सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन और इधर जो है अगर आपको दो स्पीड दी जाती है क्वेश्चन में कि एक एवरेज uh, uh, मतलब एक uh, इस तरीके से रूट पे जा रहे हैं तो ट्वेंटी फाइव है और लौट कर आ रहे हैं तो ट्वेंटी सेवन है तो आपको जो है क्या करना है इन दोनों का एवरेज नहीं लेना है आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन फॉर्मूले से ही निकालनी है एवरेज स्पीड आपको इन दोनों का एल्जेब्राइक मीन नहीं लेना है ओके वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं सो दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक्सेलरेशन इज इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी वी क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी यू होती है इनिशियल वेलोसिटी और टी होता है ये इस वेलोसिटी को जो चेंज होने में टाइम लगा है वो कितना लगा है सो दैट इज दी हियर उसके सिवा इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्ज इक्वल्स टू टू एस ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोमेंटम जो है आपका एम वी होता है और कैसी क्वांटिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स इज इक्वल टू एम ए और इसको हम ये भी लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओके तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल यानी कि आपने अगर किसी पर फोर्स लगाया है तो वो भी उतनी ही फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट इज द एक्शन रिएक्शन फोर्स मोमेंटम दैट इज एम वन यू वन प्लस एम टू यू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस पहले था कोलिजन से वही मोमेंटम बाद में होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेर भी काफी इम्पोर्टेंट है इससे काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर हमने पोल पर है इक्वेटर पर है तो जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देन इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल जो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें अगर हम लोग सिर्फ ए की जगह क्या रख देते हैं जी रख देते हैं और एस की जगह रख देते हैं एच तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल हमारे को मिल जाती है ओके okay? बिकॉज जब आप फ्री फॉल होता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ मास स्मॉल जी के बराबर होता है नेक्स्ट है वेट इज इक्वल्स टू एम जी ये भी हमें पता होना चाहिए और जो वेट ऑन मून होता है दैट इज वन बाई सिक्स ऑफ दट ऑफ अर्थ ओके प्रेशर क्या होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है एंड प्रेशर इन फ्लूड इज एच रोजी इंपॉर्टेंट बात है क्यों क्योंकि क्या करते हैं कि आपको तीन कंटेनर दे दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया के और उसमें पूछते हैं कि प्रेशर किस में ज्यादा लगाएगा लिक्विड तो आप अगर एरिया का सोचेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी लेकिन अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वहां पर बेस एरिया से कोई इफेक्ट नहीं है सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेंसिटी की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलेटिव डेंसिटी ये शब्द ही बता रहे हैं रिलेटिव यानी आप किसी चीज के उससे देख रहे हैं रेफरेंस लेकर सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर जहां पर हमने वाटर को क्या लिया है रेफरेंस लिया है ओके okay? नेक्स्ट है वर्क दिस इज इक्वल टू एफ डॉट एस ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर थीटा के बेसिस पर जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जीरो डिग्री नाइनटी डिग्री वन एट्टी डिग्री इन पर कैसे वेरिएशन आएगा वर्क का काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम एंड वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एमजीएच ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है पावर दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंगसीवल पीरियड ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू वेव लेंथ इन टू फ्रीक्वेंसी ये भी इंपॉर्टेंट है एंड स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड दैन लिक्विड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओके वहीं अगर हम अब फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन देखते हैं सो दे आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मुला यानी कि जो फोकल लेंथ है दिस विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके और ये जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर और लेंसेज हैं ये सारे के सारे आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए कि जो पोजिशन है ऑब्जेक्ट की तो उसके रेस्पॉन्डिंग इमेज की क्या पोजिशन होगी उसका क्या नेचर होगा और क्या साइज होगा तो ये बिल्कुल आपको सारे रट जाने चाहिए ओके फॉर ऑल दीज सिक्स केसेस इन कॉन्केव मिरर टू केसेज इन दी कॉन्वेक्स मिरर ओके छह उधर के होते हैं केस पर टू होते हैं सिमिलरली फिर मिरर फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए अपॉन 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 एफ इज टू यू प्लस वी और अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो वहां पर एफ जो है हमारा इंफिनिटी हो जाता है और उससे हमारे पास वी इज इक्वल टू माइनस यू आ जाता है ओके okay, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं सो दैट मीन्स हम लोग इमेज देख रहे हैं कैसा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन इन मिरर में जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आप v अपॉन u फॉर्मुला भी यूज कर सकते हैं स्नेंस लॉ जो है साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल्स टू म्यू ये आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है तो so अगर हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्री मीडियम टू तो हम उसे किस फॉर्मूले से दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस यहां पर हमारे पास दो केसेस होंगे ओके और छह केसेस होंगे कॉन्वेक्स लेंस में तो ये भी आपको यहाँ पर याद हो जाने चाहिए सो कॉन्वेक्स लेंस में भी हमारे पास सिक्स केसेस होते हैं तो ये भी आपको सारे याद हो जाने चाहिए बिल्कुल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है द ऑब्जेक्ट इज एट ट्वाइस ऑफ एफ वन द इमेज विल बी ए ट इनवर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज ये मिरर uh, वाले में भी इम्पोर्टेंट है जब सी पर इमेज ऑब्जेक्ट uh, है और इमेज भी, भी वही सेम साइज की और इसमें भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वाला है इसी में काफी चीजें घुमा फिरा कर पूछ ली जाती है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला सो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है और अगर हम मैग्निफिकेशन इन लेंस की बात करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखना है जब अगर हम माइनस वी बाई यू यूज कर रहे हैं तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मिरर लेकिन अगर हम केवल वी बाई यू ले रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंस ओके पावर ऑफ लेंस क्या होता है वन अपॉन एफ ओके लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है दैट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर और अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो आप ऊपर हंड्रेड रख दीजिए जिससे कि वो अपने आप ही कन्वर्ट हो गई मीटर में और इसको हम मेजर करते हैं डायोप्टर में ओके इंपॉर्टेंट है आपको ऐसा यूनिट्स भी सभी की याद होनी चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेकिन कॉम्बिनेशन हम कब ले रहे हैं वेन दे आर कोएक्शियल एंड दे आर नियर टू ईच अदर मतलब एक दूसरे uh, को सरफेस को टच करते हुए हैं तब जो टोटल पावर आ जाएगी कॉम्बिनेशन की वो आप इनके सम से निकाल सकते हैं टेकिंग इन टू अकाउंट देयर साइन कन्वेंशन ओके नेक्स्ट है चार्ज क्वांटाइजेशन चार्ज क्वांटाइजेशन बताता है कि चार्ज जो है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म uh, में ही अवेलेबल होता है करेंट uh, का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू ओम्स लॉ इज इक्वल टू पर जो एक important बात है इस वाले फॉर्मूले में कि इस फॉर्मूले में अगर हम रीअरेंज करके रो को लेते हैं अपॉन एल लेकिन अब आप यहाँ पर देखकर ऐसा लगेगा कि रेजिस्टिविटी जो है एरिया और लेंथ पर डिपेंड करेगी बट ऐसा नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिस्टिविटी ये किसकी बात कर रही हूँ मैं रेजिस्टिविटी की तो रेजिस्टिविटी जो है आपकी इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ मटेरियल मींस कि कॉपर का है वायर एल्यूमिनियम का है या किसी और सब्सटेंस का है तो उस बात पर डिपेंड करेगा ठीक है रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा लेंथ और एरिया पर बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है ओके अब जो कॉम्बिनेशन पूछे जाते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड है सर्किट में देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना टोटल रेजिस्टेंस है तो ये वाले फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ जाता है सीरीज में दैट इज सम हो जाता है लेकिन अगर पैरल में होते हैं तो वो उनके रेसिप्रोकल लेकर आप सम करते हैं इस तरीके से और जो आंसर आएगा उसका भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं ठीक है देन जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज टेलिंग यू दैट जो हीट होती है दैट इज प्रोड्यूस इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी एंड जो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है ये तीन फॉर्मूले होते हैं आपसे पूछे चार ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है तो दैट यू कैन इजीली देन एलिमिनेट की ये तीनों तो है हमारे पास फॉर्मूला अगर आपको केवल एक यही फॉर्मूला याद है तो आप इसमें ओम्स लॉ से वैल्यू पुट करके ये दोनों भी निकाल सकते हैं ओके सो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये भी पता चलूगा कि कौन कौन से फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन ओके नाउ इफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन आवर देन यू कैन डाउनलोड द एप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो वहां पर हमारे पास ही सारे डिफेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन एनरोल इन देम एंड अगर आप लोग एस एस बी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है और इसमें लाइव क्लासेस ली जाती हैं। आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है किस तरीके से आप अपना इंटरव्यू अच्छा कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज द कोड वॉरियर 10 जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सो आई होप दीस थिंग्स आर क्लियर टू यू सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन जय हिंद अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू NDA CDS AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं